भिक्कू संघ को नमन करते हुए और भाई अजय जी जो अभी संचालन कर रहे थे और उनकी समाज टीम, विशेषकर मीडिया, क्योंकि मीडिया ही वो ताकत बनी हुई है जो आज इस बहुजन समाज की आवाज को जन जन तक पहुंचा रहा है। तो मैं समस्त मीडिया को भी नमन करते हुए और बहुजन सेवी से मेरी पहचान दिलाने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर डीवीएस सहाय जी को भी सत नमन करते हुए जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है सभी को राखी रावण का नमो बधाई। जय भीम। क्या हुआ भाई, खाना ना मिला? खाना महिलाओं को मिला नहीं या खाया नहीं? अरे खाना मैंने भी नहीं खाया, तो जोर से आवाज देनी है। हाथ उठा के यहां से वहां तक, कोई बात नहीं। कुछ लोग खाना खाने के लिए चले गए हैं, लेकिन जो बैठे हैं हम उन्हीं से आज बात करेंगे। तो यहां से वहां तक हाथ उठा के राखी रावण के बाद बोलना है जय भीम। जिनके हाथ नीचे हैं वो हाथ ऊपर करें और जय भीम का नारा बुलंद आवाज में दे, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद मिनटों में ही अपनी बात समाप्त करूंगी क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता भी हैं और टाइम भी काफी हो चला है। एक बात यहां पर आ रही थी कि बाबा साहेब का जो धर्म है या संविधान है वो बौद्धम पर आधारित है और बाबा साहेब ने जो हमें धर्म दिया, भगवान बुद्ध का धर्म दिया, वैज्ञानिक धर्म दिया, लेकिन ये धर्म बाबा साहेब से पहले भी इस भारत के अंदर पनपा, यही भगवान बुद्ध जन्मे और यहीं से ये बौद्ध धर्म पनपा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म यहीं पे समाप्त हो गया? क्योंकि कुछ गद्दारों ने देश के बाहर से आए लोगों से हाथ मिलाया और बौद्ध धर्म को समाप्त करने की साजिश की। लेकिन जब बाबा साहेब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को हमें हमारा लौटाया इतिहास, हमें हमारा वैज्ञानिक धर्म, हमें हमारा मूल धर्म लौटाया, लेकिन उससे पहले बाबा साहेब ने लंदन के अंदर ये डंका बजाया कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। अगर बाबा साहेब गलती से भी ये कह देते कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू हैं, तो ना तो ये बौद्ध धर्म यहाँ पे पनपता और जो आज आपको अलग से अधिकार मिले हैं ना वो आपके हाथों आते। और यहाँ पर जो लोगों का जीवन चलता है वो तीन चीजों पर निर्भर है, शासन, प्रशासन और अनुशासन। इसे जरा ध्यान से सुनना, किसी भी आदमी का विकास शासन, प्रशासन और अनुशासन तीन चीजों पर टिका है। और बाबा साहेब ने लंदन के अंदर ये डंका बजाया, जो लोग शासन के बाहर थे यानी के हम अछूत लोग, कोई पूछता था क्या आप लोगों को शासन में? जवाब दो, बाबा साहेब से पहले कितनी भागीदारी आपकी शासन में थी? नहीं दी। बाबा साहेब ने कहा कि जिस तरीके से एक ब्राह्मण, बनिया और राजपूत को शासन में जाने की अनुमति है या शासन में जाने का अधिकार है, तो ठीक उसी तरीके से मुझे भी अपने समाज में लोगों को शासन में जाने का द्वार खोलना है। ये बाबा साहेब ने डंका बजाया। तिलक ने कहा, अरे ये पान तेल बीड़ी बेचने वाले लोग, ये जरा ध्यान से सुनना, तिलक जी ने कहा कि ये पान तेल बीड़ी सिगरेट और चाय बेचने वाले लोग शासन के अंदर पहुंचकर क्या करेंगे? लेकिन बाबा साहेब ने कहा, ए तिलक, कान खोल के सुन ले, ये पान तेल बीड़ी कूड़ा मैला ढोने वाले लोगों को मैंने इस शासन में पहुंचाकर इस देश का पीएम और सीएम ना बना दिया, तो मेरा नाम बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं। और ये तिलक बेचारा आज होता तो रोता रहता। क्यों? आज मोदी जी कहते हैं मैं तो चाय बेचता था। अगर मोदी जी चाय बेचते थे और आज इस देश के पीएम बन गए, तो वो किसकी बदौलत? वो बाबा साहेब डॉक्टर।
प्रशासन के अंदर इन अछूतों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा का द्वार इन अछूतों के लिए नहीं खुलना चाहिए। लेकिन तुम्हारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैं इनके लिए शिक्षा का द्वार खुलवाऊंगा, शिक्षा के साथ साथ इनके पढ़ने के लिए इनकी किताबों का इंतजाम, इनकी ड्रेस का इंतजाम भी कराऊंगा, और एक दिन देखना कि मेरे संविधान के कारण ये लोग प्रशासन में कौन पहुंचा। अरे आईएएस पीसीएस एमएलए मंत्री संतरी बनकर बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के फॉलोवर प्रशासन पर राज कर रहे हैं और हिंदू नेताओं को चटनी चिटाने का काम कर रहे हैं। और तीसरा है अनुशासन। हिंदू नेताओं ने पूरी ताकत लगाई, मैं ये लाइन इसलिए बोलती हूं। और तीसरा है अनुशासन। अनुशासन आता है धर्म से। आज भी तुम लोगों ने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर कहावत सुनी होगी कि अरे ये लोग तो कमाल हैं, इन्हें तो तौर तरीके से खाना भी नहीं आता, इन्हें तो तरीके से चलना भी नहीं आता। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में अनुशासन है ही नहीं। और अनुशासन किस धर्म में है ये बाबा साहेब ने बताया। और बाबा साहेब ने कहा कि मेरे लोग किस तरह से अनुशासन में रहते हैं, इस भारत को मूल धर्म देकर मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो बाबा साहेब ने अनुशासन भगवान बुद्ध को धर्म में देकर, आज विभिन्न वैज्ञानिक धर्म में देकर बता दिया। और हमारे समाज के लोग गिनती आती है या नहीं अनुशासन में चलने के लिए, बोलो, तौर तरीके से बात करने के लिए, तौर तरीके से खाने के लिए। अरे लोग कह देते हैं कि ये दलित है, लेकिन इसके पास कितना तौर तरीका है, यानी कि ये कितने अनुशासन में रहकर बात करता है। जो लोग ये कहते थे कि ये डॉक्टर अम्बेडकर इन अछूतों को क्या अधिकार दिलाएगा, अंग्रेजों से तो सारे अधिकार हम लेंगे इस भारत के अंदर, या डॉक्टर अम्बेडकर तो चार दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। लेकिन बाबा साहेब ने कोई ऐसे वैसे नहीं, वो तो इन्हें अभी बताया था ना हमारी बेटी ने, वो तो इन सबके पाप के भी पाप थे, इसलिए उन्हें बाबा कहा जाता है। जो बाप का भी बाप हो बाबा उसे ही तो कहा जाता है ना। और ये उपाधि बाबा साहेब ने अंग्रेजों ने दी। उन्होंने कहा कि अगर इस भारत के अंदर कोई मान सम्मान के लायक है, इस भारत से कोई चीज ले जाने लायक है, तो वो भगवान बुद्ध और केवल डॉक्टर अम्बेडकर है, बाकी तो सब बेकार की बातें हैं। बाबा साहेब की एक घटना मैं तुम लोगों को जरूर बताकर जाऊंगी। बाबा साहेब महाराष्ट्र के अंदर एक वर्धा है और वर्धा के अंदर एक जगह है। गांधी जी वर्धा में अपनी कुटी पर ठहरे हुए थे और इस भारत के अंदर सफाई का काम करने वाले लोगों ने, यानी कि हमारे लोगों ने हड़ताल कर दी कि हम ये काम नहीं करेंगे। गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो लोग गांधी जी की कुटिया में अंदर जाते भी नहीं हैं। गांधी जी लोगों से बात करना चाहते हैं लेकिन लोग गांधी जी से बात करने को तैयार नहीं है, और वो जिद पर अड़े हैं कि गांधी जी हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है तो केवल डॉक्टर अम्बेडकर से बात करनी है। और जैसे ही हमारे समाज के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर वर्धा में आ रहे हैं तो लोगों का तांता दूर से लग जाता है, और कई मील दूर से बाबा साहेब के इंतजार में लोग जय घोष के नारे लगाते हुए बाबा साहेब के पास पहुंचते हैं। और बाबा साहेब सीधा गांधी जी से मिलने के लिए पहले जाते हैं तो गांधी जी एक बात बाबा साहेब से पूछ लेते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे समाज की बहनों, तुम भी इस बात को याद रखना, और मेरे समाज के भाइयों तुम भी इस बात को जरा याद रखना कि बाबा साहेब ने उस समय क्या बोला। बाबा साहेब जब गांधी जी से मिलने के लिए कुटिया के अंदर जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर मैं कई दिनों से यहाँ पर ठहरा हूँ,
से बातचीत करने के लिए सहमति जता रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरे पास ही नहीं आते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। ऐसी क्या बात है कि लोग आपको ही सुनना चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं? तब आपके मसीहा गांधी जी को जो जवाब देते हैं तो उस जवाब को जरा याद रखना। और बाबा साहेब ने कहा कि गांधी जी, ये लोग तुम्हारे लिए बात को सुनने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो गाय वहां पहुंच जाती है। जरा ध्यान से सुनना, कहां तुलना करके बाबा साहेब ने अपनी और गांधी जी की। जब बच्चे का जन्म होता है तो गाय वहां पहुंच जाती है, फिर दूध भर से मेहनता ना लिया, फिर उसका काम खत्म हो जाता है। किसी दूसरे घर में बच्चा होता है, वही गाय उस घर में पहुंच जाती है और वहां से भी मेहनता ना लेकर फिर तीसरे घर में चली जाती है। लेकिन गांधी जी, जो बच्चा जिस माँ की कोख से जन्म लेता है, गांधी जी जो बच्चा जिस माँ की कोख से जन्म लेता है, ना तो वो अपने बच्चे को भूल पाती है और ना वो बच्चा अपनी माँ को भूल सकता है। इसलिए है गांधी जी, तुम इस समाज के लिए एक दाई तो हो सकते हो, एक माँ नहीं हो सकते। इस समाज की माँ डॉक्टर अम्बेडकर है, इसलिए मेरे समाज के लोग मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा साहेब हमारे बाप बने, बाबा साहेब हमारी माँ बनी, बाबा साहेब हमारे गुरु बने, बाबा साहेब हमारे मोक्षदाता बने, बाबा साहेब हमारे मार्गदाता बने। लेकिन हमने बाबा की कीमत ना जाने। और एक लाइन में वो बताती हूँ, जब बाबा साहेब लंदन के अंदर हमारे लिए अधिकार मांग रहे थे तो गांधी को क्या कहा, गांधी और दूसरे नेताओं को बाबा साहेब ने कहा कि ना भीख मांगने आया हूँ ना उधार मांगने आया हूँ, तो फिर लंदन के अंदर क्या करने आया हूँ? अंग्रेजों के सामने और हिंदू नेताओं के सामने बाबा साहेब कह रहे थे कि ना भीख मांगने आया हूँ ना उधार मांगने आया हूँ, तो फिर क्या करने आया हूँ? इन दीनहीन मजलूमों का अधिकार मांगने आया हूँ, अधिकार मांगने आया हूँ। और तुम्हारे लिए अधिकार लेकर बाबा साहेब ने तुम्हें अपने घर की, अपने समाज की और इस देश की राजकुमारी और रानी बना दिया। लेकिन तुमने क्या कहा? जय शनिदेव, राधे राधे, राम राम जी। यानी के बाबा साहेब ने जो तुम्हारे कदम पर कपड़ा पहुंचाया उसको तुमने बेच दिया, बाबा साहेब ने जो तुम्हारे मुंह में राज भोज दिया उसको तुमने बेच दिया, बाबा साहेब ने तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे पति की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे जीजा की, तुम्हारे फूफा की जो नौकरी लगाई उसके साथ तुमने नमक हरामी कर दी, उस कमाई को तुमने मंदिरों में लुटाया, तुम मनुवाद की, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बन गई और बाबा साहेब को भूल गई। मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ क्योंकि यहाँ पर वैसे तो मुझे टाइम मिले तो मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे का टाइम लेना नहीं चाहूंगी और टाइम शायद पूरा हो गया है। मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। बाबा साहेब इस भारत का संविधान लिखने के लिए जा रहे थे, बाबा साहेब जब इस भारत का संविधान लिखने के लिए जा रहे थे और हमारे पाक विधाता बाबा साहेब बन रहे थे तो सरोजनी नायडू जी ने एक बात बाबा साहेब के लिए बोली, वो बात हमेशा याद रखना। सरोजनी नायडू ने गांधी जी और हमारे मसीहा बाबा साहेब के बारे में एक एक बात बोली। पहले तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को हमें, जब गांधी जी रेल के तीसरे डिब्बे में सफर करते हैं तो हमें अपने समाज के लोगों को नकली भंगी बनाकर उस रेल के तीसरे डिब्बे में सफर करवाना पड़ता है। जो लोग गांधी जी के साथ होते हैं, गांधी जी की देखरेख
पास बैठकर उनसे बकरी का बादाम वाला दूध पिलवाया जाता है। लेकिन ये बात हर कोई वक्ता नहीं बताएगा, बहुत सारे वक्ता तो बोलते हुए भी डरते हैं, लेकिन राखी रावण नहीं डरती। अरे जिसे जो करना है कर लो, केवल इस दुनिया से ही तो चले जाएंगे, बाकी तो कुछ ना होगा। होगा क्या? अरे कुछ ना होगा, एक बार मरकर भी हम अमर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस दुनिया से गए तो लोग याद रखेंगे कि राखी रावण ने मनुवाद के खिलाफ वो बात बोली थी, इसलिए आज राखी रावण समाज के बीच नहीं है। लेकिन वो बात हमेशा याद रहेगी कि क्या बात बोली थी। और वही सरोजिनी नायडू ने आगे कहा, लेकिन इस भारत का संविधान लिखने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जा रहे हैं। मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहती हूँ, और वो लाइन क्या बोली कि ये डॉक्टर अम्बेडकर जो अपने ज्ञान तपस्या और साधना के बल पर जब ये डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो जूते चप्पल में बैठकर पढ़ता था, ये डॉक्टर अम्बेडकर जब स्कूल में पानी पीने के लिए जाते थे तो स्कूल में पानी नहीं मिलता था, यही डॉक्टर अम्बेडकर जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तो इनके पास बदन पर कपड़ा नहीं होता था, ये लंगोटी पहनकर जाता था। लेकिन वही डॉक्टर अम्बेडकर आज अपनी ज्ञान तपस्या साहस के बल पर आज अपने भाग के साथ साथ इस भारत